assalamualaikum students how are you all hope you are in good health today we are going to study this the last poem of our english book that is this land of ours the bulbul strips to the blossoms a flower garden in this land of ours this land of ours is a flower garden a flower garden is this land of ours Sunny summits girdle it around fair walls of shining marble. In the midst is this gym so green. A flower garden is this land of ours. In the vales of Motor Ranch, Spring has chosen a seed to rest. Tulips bloom in gardens like Shalimar. A flower garden is this land of ours. Spring's rivers and streams, rills and roaring waterfalls. Are thrilled with the joy of sipping a flower garden is this land up, ours <coughs> around roses the bulbul -bul turners in love and the bumblebee seeks the narcissus नॉर्स कश्मीरी फील ड्रांक इन एक्साइटमेंट ए फ्लावर गार्डन इज़ दिस लैंड ऑफ आवर्स महजूर दिस होम लैंड ऑफ आवर्स इज ए चारामिंग गार्डन इन डी लेट श्योर आवर लव ऑन इट अ फ्लावर गार्डन इज़ दिस लैंड ऑफ आवर्स तो जो ये पोइम है जो महजूर ने लिखी है कश्मीर के शायर बहुत बड़े शायर गुजरे हैं तो उन्होंने ये पोइम लिखी है दिस लैंड ऑफ आवर्स और बाद में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर जे आर मलिक ने तो इसमें कश्मीरी में आपने सुना होगा कि बुलबुल बुल वनाश पोशन गुलशन वतन च सोने द बुलबुल ट्रिप्स टू द द्लॉज अ फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आवर्स फ्लावर गार्डन इज गुलशन वतन तो गुलशन वतन इज आवर्स फ्लावर गार्डन इज़ आवर्स तो यही बोलते हैं कि बुलबुल बुल वनाश पोशन गुलशन वतन च सोने दिस लैंड ऑफ आवर्स आफ फ्लावर गार्डन गाराडन फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आवर्स Sunny is walls जो मतलब कश्मीर है ये कश्मीर के बारे में कहा गया है कश्मीर को हर तरफ से जो पहाड़ है तो ये महजूर कहते हैं जैसे इसको चारों तरफ से मार्बल ही मार्बल लगा है मार्बल की दीवार है और बीच में ये एक हीरे की तरह है जो हीरा होता है या एमरल्ड होता है ग्रीन सब्ज तो वही जैसे ये सरसब शादा बीच में जैसे नगीना होता है एक अंगूठी में तो वैसे ही यह एक नगीने की तरह है और हर तरफ इसको जैसे मार्बल लगा है जैसे सिल्वर की अंगूठी होती है और बीच में उसको एमरल्ड लगा हो तो वैसे जो हमारा कश्मीर है इसको हर तरफ से मार्बल की दीवारें मार्बल जो पहाड़े हैं सफ़ेद बर्फ पोश पहाड़े हैं तो बीच में ये सरसब्ज शादाब जो हमारा कश्मीर है तो ये एक नगीने की तरह लगता है इन द वैल्स ऑफ माउंटेन रेंज स्प्रिंग रेस्ट टूलिप्स ब्लूम इन गार्डनज़ लाइक शालीमार ए फ्लावर गार्डन इज़ दिस लैंड ऑफ आवर्स तो ये जो माउटेज़ होते हैं माउटेज़ के बीच बीच में वो जगहें होती है, तो हैं वो क्रिवास जैसे तो बोलते वहाँ से पानी ऐसे गिरता है फिर एक जैसे मतलब कश्मीर को बोलते आब जॉय से नरान आब जेए मतलब फवारे फूट पड़ते हैं और जो इससे स्प्रिंग्स फूटे हैं इनमें मतलब चूजन ए सी टू रेस्ट उन पे फमारो ने जन्म लिया है इन, इन माउंटेन रेंजेस पे और जो टुलिप्स है आपको पता है आज टूलिप्स गार्डन है लेकिन तब पहले टूलिप्स शालीमार में भी होते थे तो टूलिप्स जो है वो ब्लॉजम हो गए हैं तो इस शालीमार गार्डन में स्प्रिंग्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स रिवर एंड रोरिंग द जॉय ऑफ थ्रिल फ्लावर गार्डन इज दिस जो स्प्रिंग्स है रिवर्स है स्ट्रीम्स है तो ये सब जो है इसको कश्मीरी में बोला है नागन कोलंत आरन जॉन्त आब शारन मैं आपको दिखाऊंगी इसमें भी जो ये कश्मीरी में भी है नागन कलंत आर्न जॉन्त आबशारन दु सोज नो बहारन गुलशन वतन जो तो जो ये नाग कॉल और मतलब स्प्रिंग्स हैं नहरें हैं नदियाँ हैं तालाब हैं तो इन्हीं के बारे में लिखा है कि वो मतलब खुशी से जूम रहे हैं वो रोर देर रोरिंग वाटरफॉल्स ऐसे ऐसे आबशार है कि मतलब एक शोर सा पानी का आपने आ, मतलब सुना होगा जब हम किसी आबशार के पास होते हैं तो वहाँ पे इतना पानी का शोर होता है तो इसने यहाँ पे बयान किया है कि वो खुशी से थ्रिल कर रहे हैं वो बहुत खुश है around roses the bulburn turns in love and the bumble bee six uh, uh, narcissus kashmirs field drunk in excitement a flower garden is this land of our uh, इसमें इसका कश्मीरी इन्होंने बोला है इसका कश्मीरी में इन्होंने ट्रांसलेट किया है तो ये बोलते हैं कि जो रोजेज हैं अराउंड रोजेज़ द बुलबुल टर्नज़ इन लव जो मतलब बुलबुल बुल है वो अब फूलों के जो रोज होता है गुलाब का फूल तो वो उसके इर्द गिर्द अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है खुशी कर रहा है एंड द बंबल बी सिक्स द नारसिसस नारसेसस हो गया एक फ्लावर है जिसको होते हैं येलो और वाइट स्पॉट्स बीच में उसमें जो डेफोडिल फ्लावर होता है वो उस मतलब इस फैमिली में आता है नॉर्सिस तो बम्बल भी जो है वो बम्बल भी वो बी जो होती है वो हमिंग साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है वैसी ही साउंड तो वो जो है वो भी खुशी से मतलब इतनी इतना साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो फ्लावर के इर्द गिर्द घूम रही है बुल 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 रोजस के इर्द गिर्द घूम रहा है स्प्रिंग्स खुश हैं माउटेन्स खुश हैं तो ऐसा है हमारा लैंड ऐसा है हमारा कश्मीर कश्मीर इज वील ड्रंक एंड एक्साइटमेंट एंड फ्लावर गार्डन इन दिस लैंड ऑफ आवर्स जो कश्मीरी है कश्मीरी लोग वो बहुत खुश है तो महजूर दिस होम लैंड ऑफ आवर्स फिर महजूर जो है वो खुद से मुखातब होकर कहता है कि ये जो मेरा मतलब होम लैंड है ये जो मेरा घर है ये जो मेरी अपनी ज़मीन है ये जो मेरा कश्मीर है इज ए चार्मिंग गार्डन इन ये बहुत ज्यादा मतलब चार्मिंग है ये बहुत ज्यादा खुशगवार है तो लेट्स शोर आवर लव ऑन इट तो हमें इसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए फ्लावर गार्डन इज़ दिस लैंड ऑफ आवर्स तो जो ये हमारा मतलब लैंड है हमारा मदर लैंड है हमारा कश्मीर है हमें इसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए ये फूलों का एक बगीचा है तो वैसे इसने कश्मीर में भी बोला है कि बुलबुल वना चु पोशन गुलशन वतन जो सुनो इसको इसको गुलशन वतन रेफ़र किया है थैंक यू स्टूडेंट्स आज हमने कम्प्लीट किया ये अब आ, आपको हम क्वेश्चन करेंगे अपलोड क्वेश्चन विद आंसर्स Alas!